हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। आज हम अगला लेक्चर हिंदी मीडियम फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं फटाफट। अभी जो जो हमने चीज़ें पढ़ ली है, हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी, फिर विद्युत दर्शी के बारे में हमने पढ़ा था, और क्वांटीकरण पढ़ा था, और आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, और गुलाम नियम का सदिश निरूपण हमने लास्ट में देखा था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगे की हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले वाले दो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ आपको ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अगर पिछले वाले दो लेक्चर्स के अंदर, तो ये आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनिया। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर से समझे इसको, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, सपोज दैट यहाँ एक आवेश पड़ा हुआ है Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मान लिया मैंने, वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर, अगर इस फील्ड के अंदर कोई अन्य आवेश लेके आते हैं, जैसे कोई एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने क्यू नॉट, अगर वो आवेश इसके अंदर आता है तो क्या होगा, अन्य आवेश रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो इस पर क्या होगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगर जैसे ही ये आवेश यहाँ लाता हूँ, तो इस आवेश के ऊपर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, डिपेंड करता है कि इन आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर आवेश ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक प्लस एक माइनस में है तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो ये एरिया है, इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका जो बल होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ बल इस क्षेत्र के अंदर लगेगा। लेकिन यही बात इस क्षेत्र के बाहर की तरफ बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आपका एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट, यही था आपका विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, कि अगर कोई अन्य आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। अब अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब किसकी बात करेंगे अपन, अगली हेडिंग जो है अपनी वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम कैपिटल ई से शो करते हैं, क्या बोला जाता है इसके अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश लाओगे तो उस क्षेत्र पर, उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मैं वही बात फिर से करता हूँ कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, मतलब यहाँ अगर आवेश पड़ा है और इसका ये विद्युत क्षेत्र है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब यहाँ से एक टेस्ट चार्ज में यहाँ पर लेके आ रहा था, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ये क्यू नॉट रखने पर जैसे ही ये आवेश यहाँ लेके आऊँगा, तो इस आवेश पर क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बल कार्य करेगा, और वो बल होता है आपका F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर, ये बल कार्य करेगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से E वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ, E वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है आपका कितना, F वेक्टर बाय क्यू नॉट। यही आपकी क्या बनती है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बनती है। यहाँ से अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना रख देता हूँ, प्लस 1 कूलम रखता हूँ, तो मेरा E वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ जाता है, F वेक्टर के आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश के वैल्यू कितनी ली यहाँ पर, 1 कूलम, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर क्या बोलो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये हो गई आपके स्टूडेंट किसके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, मात्रक की बात करनी है। मात्रक फॉर्मूले के ऊपर चले जाओ आप सीधा। यहाँ पर देखेंगे अगर बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन, और ये क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलम। तो ये हो गया इसका
मात्रक। अब हमें फिर से विमा की बात करनी है अगर, तो विमा कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला आपका बल। बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय, ये क्या है आवेश, आवेश की विमा क्या होती है t1 a1। अब इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन, तो m1 l1 ये t-2 और ये ऊपर जाके t-1, तो ये हो जाएगा t-3 और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा a-1। तो ये आपकी क्या आ गई, यहाँ तक विमा आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हमारे सामने है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सो, सबसे पहले अपन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम कैसे समझते हैं, बिंदु आवेश की बात करूं तो सपोज दैट सबसे पहले मैं यहां पर एक बिंदु आवेश ले लेता हूं प्लस क्यू। इसके कारण मुझे क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस बिंदु आवेश से आर डिस्टेंस के ऊपर यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं पी। यहां मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा क्यू नॉट। अब इस बिंदु पी पर इस आवेश के कारण तीव्रता ई वेक्टर हो जाएगी। अच्छा, एक आवेश यहाँ पड़ा है, एक आवेश यहाँ पड़ा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, दोनों के बीच में फोर्स लग जाएगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, एकांक सदिश आर के। तो ये जो मैंने डायग्राम बताया वो का वो डायग्राम आपके सामने इधर बना हुआ है। तो हेडिंग पढ़ते हिस्से ही अगर सबसे पहले अगर अपना डायग्राम बन जाता है तो आगे का काम बहुत आसान हो जाता है हमारा। तो हमने डायग्राम बना दिया बोर्ड पर, अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आवेश यहाँ पड़ा हुआ है, एक आवेश यहाँ पड़ा हुआ है आर डिस्टेंस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू कूलम। कूलम ने क्या बोला था कि जब दो बिंदु आवेश किसी दूरी पर पड़े तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब एफ, उसका फॉर्मूला था के q1 q2 / r2। q1 की जगह मैं यहाँ से क्यू ले लेता हूँ, q2 की जगह यहाँ से क्यू नॉट ले लेता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर, और एकांक सदिश क्या आ जाएगा यहाँ पर आर कैप। इसको मैं डाल देता हूँ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमारा मकसद क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई वेक्टर को कैलकुलेट करना। सो, इस ई वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये जो f की वैल्यू है ये वैल्यू उठा के सीधी इस f की जगह पे यहाँ रख देनी है। तो मेरा e वेक्टर क्या आ जाएगा, e वेक्टर इज इक्वल टू k q q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा k q q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से इस f की जगह पर रख दी, और ये आपका q नॉट, ये आपका क्यू नॉट एज इट इज, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट होगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर के। ये क्या आ गया आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, या फिर आप इसे अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे तो कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डिस्टेंस आर के बीच में ग्राफ बनेंगे तो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण। नाउ स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग आपके सामने बोर्ड पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इसके गुणधर्म। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, दोनों एक ही बात है, इसको समझते हैं अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर व जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसी अन्य आवेश पर लगता हो। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कैसे समझा रहा हूं कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश को, अगर किसी धनावेश को मान लो यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक मैंने छोड़ दिया, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, तो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण यह आवेश किसी न किसी काल्पनिक पथ पर गति जरूर करेगा। ठीक है,
तो वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे ही हमने क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक बंद या खुला वक्र होती है जो विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है। ये एक्चुअल में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कि क्या होता है कि बंद या खुला वक्र होती है जो क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या फिर उसके दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके माइंड में फिट होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन कि ये काल्पनिक बंद या खुला वक्र होती है जो विद्युत क्षेत्र के परिमाण या दिशा को व्यक्त करती है। तो ये तो हो गई आपके स्टूडेंट्स क्या विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन हो गई। अब अपन क्या बात करेंगे, इसके गुणधर्म की बात करने जा रहे हैं। तो गुणधर्म के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें याद रखेंगे अपन। सबसे पहला गुणधर्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहला गुणधर्म क्या होगा आपका कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या बोला गया है इसके अंदर कि प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे आके ख़त्म होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज दैट अगर मेरे पास कोई धनावेश है, ठीक है, अगर कोई एकल धनावेश है तो प्लस से हमेशा क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है इस तरीके से ये। और अगर ऋणावेश की बात करूं तो ऋणावेश पर आकर समाप्त होती है ये इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि अगर आवेश एकल है, जैसे कि ये बना रखा है, ये एकल आवेश के लिए ही बता रखा है मैंने, यदि आवेश एकल है तो ये अनंत से प्रारंभ क्या होता है कि अनंत से प्रारंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती है। अगर ये जाती है तो अनंत पर समाप्त होगी, अगर ये आ रही है तो कहाँ से आ रही है, इस पर अनंत से आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया डायग्राम। एक्चुअल में ये कई बार एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर धनात्मक आवेश है तो उसके कारण बनने वाली विद्युत बल रेखाओं को बताइए आप कैसे बनेगी। तो ये इस तरीके से, धनात्मक आवेश है तो ये और ऋणात्मक आवेश है तो इस तरीके से बनेगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरे गुणधर्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीसरा गुणधर्म हमें कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा है जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी जो कि संभव नहीं है। इसके अंदर आपको यूँ बोला गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर प्रतिच्छेद करती है पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन पर तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जब उनके ऊपर टेंजेंट डाली जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, दो टेंजेंट मतलब दो स्पर्श रेखाएं क्या करेगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करेगी एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल आपका नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों। तो आपको कारण क्या बताना है, कारण बताना है कि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका तीसरा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। अगर समविभव पृष्ठ क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर वह पृष्ठ जहाँ का विभव हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, तो समविभव पृष्ठ के विद्युत रेखा बल रेखा जो होती है समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर लंबवत होती है। तो ये जब अपन विभव वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे प्रूव करके भी बताऊँगा कि किस तरीके से लंबवत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका चौथा पॉइंट। और पाँचवा पॉइंट एक और है, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जाता है जो कभी नहीं टूटते हैं। अगर आवेश मुक्त क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सतत रेखा विद्युत बल रेखाओं को क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस कर्व माना जाएगा, मतलब सतत वक्र माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हो गए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग आपके सामने बोर्ड पर, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये आपकी। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे इसके दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बड़े 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। तो ये आप दोनों हेडिंग बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको वो आगे आने वाले दो डेरिवेशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या बोला जाता है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण समान है और प्रकृति क्या है, विपरीत,
विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कैसा है? क्या बोला गया था, ध्यान से सुनना, कि दो समान परिमाण, जैसे सपोज दैट यहाँ Q ले लिया, यहाँ पे भी मैंने Q ले लिया, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, इसको ले लो आप माइनस, इसको ले लो आप प्लस, ठीक है। तो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अति अल्प दूरी, ये इनके बीच की दूरी पर रखे हो, इस दूरी को मान लेता हूँ मैं कितना 2a, ठीक है, अति अल्प दूरी पर रखे हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी 2a के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका मिड पॉइंट O ले लेता हूँ मैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, तो इस आवेश से लेकर इसके मध्य बिंदु की दूरी यहाँ पे भी a हो जाएगी, और इस बिंदु से इसके बीच की दूरी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, आपकी a हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपको आसानी से समझ में हो गया होगा कि माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया वगैरह वगैरह, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड में बात करता हूँ किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन किससे शो करते हैं, यहाँ पर पी वैक्टर से शो करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या बोला जाता है, कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, अब ये विद्युत द्विध्रुव है मेरे सामने, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, यहाँ पर पी वैक्टर से शो कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, अब माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश का परिमाण मतलब क्यू ही लेना है हमें, तो किसी एक आवेश का परिमाण मतलब क्यू, तथा उनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a, तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, तो इनके मध्य की दूरी का गुणनफल, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी वेक्टर के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने बात करी थी, अब आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी मतलब 2a, ये क्या ले लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर क्वांटिटी लिया, जिसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बात करूँ इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, कूलम इंटू ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या आता है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर आ जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी वीमा की, तो वीमा क्यू के लिए क्या आती है आपकी T1A1, और डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या आती है आपकी L1 आती है। तो फाइनल क्या हो जाएगी, M0L1T1A1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हम क्या बात करेंगे आगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि दो इंपॉर्टेंट हेडिंग यहाँ पर आने वाली है, ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें क्लियर होगी तो वो आपको समझ में आएगी। तो वो दो इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, एक तो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र, और एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र, जो अपन थोड़ा डेरिवेशन टाइप है, तो अपन उसको अगले लेक्चर में लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप एक बार ये अच्छे से समझ लेना। नाउ स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन विद्युत क्षेत्र के ऊपर ही, एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। सपोज दैट यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है मुझे, कि एक मेरे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है आपके पास, ए ए ए है, और त्रिभुज के जो शीर्ष, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको ए, इसको बी, और इसको मान लिया मैंने सी। तो त्रिभुज के शीर्ष ए और बी के ऊपर जो आवेश पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है क्यू परिमाण का, किसका पड़ा हुआ है, स्मॉल क्यू, क्यू परिमाण के आवेश पड़े हुए हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष सी के ऊपर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो ये आपका है न्यूमेरिकल, सी के ऊपर आपको क्या करना है, रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको अपने को समझना है, मान लो यहाँ पे कोई आवेश पड़ा है क्यू, इसके कारण इस बिंदु सी के ऊपर अगर मैं तीव्रता की बात करूँ, ठीक है, तो इसके कारण इस बिंदु सी पर तीव्रता की दिशा हो जाएगी कुछ ऐसा, जिसको मैं मान लेता हूँ कितना, E1 मान लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट अलग लेके बता देता हूँ, यहाँ पे ये आपका सी पॉइंट है, तो इस आवेश के कारण, इस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट के ऊपर मैंने E1 मान ली, ठीक है। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु सी पर तीव्रता की दिशा यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है, तो इस आवेश के कारण, ठीक है,
इस बिंदु सी पर ये तीव्रता की दिशा ये होगी, जिसको अपन ने क्या मान लिया, ई टू मान लिया। तो हमें क्या बोला था, ये आपका ये था, ये बी था, इस सी के ऊपर अपने को रिजल्टेंट तीव्रता निकालनी है, ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ मिलेगी, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ ई नेट से लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने को ये ई नेट ही फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है, मैंने जब न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, कूलम्स लॉ के ऊपर जब न्यूमेरिकल करवाए थे, तो वहाँ पे बताया था, तो वहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर तीव्रता की बात की जा रही है और वहाँ पर बल की बात करी थी हमने, कुल बल कितना लगेगा वो बात वहाँ पर करी थी। तो तरीका अपना वही रहेगा, ये नेट तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये नेट तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है ई नेट इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ई नेट की बात करता हूँ तो ई वन, अच्छा यहाँ पे ई वन की जब बात करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू बाय, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने, ए, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम आवेश सेम दूरी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये भी आएगा ई टू। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं के क्यू बाय ए स्क्वायर टू द पावर टू प्लस ई टू की वैल्यू रखता हूँ के क्यू बाय ए स्क्वायर टू द पावर टू प्लस टू ई वन, ई वन की जगह वैल्यू रखनी है अपने को फिर से यही वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब ई टू, ई टू की वैल्यू फिर से वही है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज है हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 60 60 60 होता है, तो ये सारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना कोस 60, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगर मैं बात करूँ ई नेट की, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख देता हूँ मैं, टू के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आप, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो मैं ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ बच जाता है केवल के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ले लेता हूँ मैं के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा 3 के क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ये वाली पूरी टर्म तो बाहर आ जाएगी, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो ये कितना हो जाएगा आपका √3, तो एज इट इज रहने दिया मैंने, और ये हो जाएगा आपका के क्यू बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ई नेट मिल गया। तो ये आपकी तीव्रता किसी समबाहु त्रिभुज के कारण आ गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के की जगह वैल्यू रख सकते हैं 1/4π ε0 यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।